रामभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्रसंत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुंचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारारा की गई। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराई। राम राम प्रीति प्रीति
बोलो आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरु मंगलनीय का विद्या श्री माता जी की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। चंद्र समान सूर हो जाता और सूर होता ससुरु, नम समान पाताल बनेगा भूमि बने सरलोक अनुप। अद्भुत महिमा मंत्रराज की कहें कहां तक है असमर्थ, महामंत्र को जपने वाले उसके सफलत वांछित अर्थ। महानुभाव नमोकार का जो अतिशय चमत्कार है आज के दिन हमने देखा था। परम पूज गुरु मां गणनीय अर्का की वह साधना और तीनेत्रधारी भगवान का यह महा अतिशय और घंटा कर्ण जी का यहां पर जो चमत्कार है और विद्या श्री माता जी की जो नमोकार मंत्र की श्रद्धा है उसको आज के दिन हमने क्षुल्लक कमल सागर जी जब वेंटिलेटर में थे, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया और सिलेंडर और सब लगा के यहां पर आश्रम में पहुंचे। डॉक्टर ने बोला इनकी ऑक्सीजन निकलती है मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा चलेगी। अचेत अवस्था में पड़े थे, होश भी नहीं था। बड़ी माता जी विद्या श्री माँ आहार कर रही थी और उन्होंने जल्दी से आहार किया। आहार करने के बाद सीधे कमल जी के पास पहुंची। अचेत अवस्था में तो होश, माने वेंटिलेटर में कैसा होता आदमी, ऑक्सीजन चढ़ी कैसा, वो आप लोग जानते हो। माता जी ने उनके मस्तक में जो हाथ रखा और नवोकार मंत्र का पढ़न शुरू किया पढ़ना और उनकी आंखें खुल गई। और आंखें खुलने के बाद उन्होंने अपनी ऑक्सीजन निकालने का संकेत किया। सब लोग मना करते थे, माता जी ने कहा भैया निकाल दो, ये नहीं जाएंगे। वह चमत्कार देखो, ऑक्सीजन निकलने के बाद वो स्वस्थ हो गए और उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। क्षुल्लक दीक्षा होने के बाद उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद पूरे दिन भर धर्म ध्यान करते हुए नमोकार का आराधन करते हुए अंत समय में उनको जाकर के सुबह ऑक्सीजन निकलती, शाम को उनके समाधि भव्य समाधि हुई। एक नमोकार मंत्र का साथ से हमने यहाँ पर देखा। माँ विद्या श्री और गुरु माँ की कृपा हमने बरसते देखी है। ऐसी महिमा मन माँ को, ऐसे पुण्यशाली चुल्लक जी को, चुल्लक कमल जागर जी को मेरा बारंबार नमन है। उस महामंत्र को, इन तीनेत्रधारी महाराज को, भगवान को, उन घंटाकर देवराज को जिनका अतिशय यहाँ पर ऐसा बोलता है, जिनके कारण बड़ी बड़े संकट बाधा कामना पूर्ण होती है, ऐसे देवराज घंटाकर जी को और उन विद्या श्री माँ को बारंबार नमन करता हूँ। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय।
इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। Thank you.
सायकाल की मंगल बेला में भक्तगण मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।